चलिए आप लोग दिखाते हैं आगे जो बना रही है। हाय फ्रेंड्स, आप लोग को ली एकेडमी स्वागत है। देख सकते हैं बच्चों के द्वारा ये पेंटिंग बनाया गया है। ये अभी ट्रेन का डब्बा बन रहा है और आगे बनेगा। अभी एक ही तैयार हुआ, तैयार नहीं हुआ पूरा, अभी आप लोग को दिखाएंगे आगे। आप लोग बने रहिए, चलिए दिखाते हैं आगे आप लोग को। एकेडमी स्कूल में हम लोगों ने एक एक्टिविटी सोचा था, जिससे कि आप देख सकते हो ये वाल काफी खाली थी, पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस वाल को पेंट किया जाए। उस पेंट पे हम लोग एक फ्रेम बना रहे हैं। उस फ्रेम में हम लोग बच्चों को ही शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये स्कूल फॉरबिसगंज में, और इस स्कूल में बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आके, जो कि क्रेन की सुविधा के द्वारा ही है। साथ ही यहाँ पे फिलहाल हम लोगों ने गर्ल्स को दिया है कि हाँ, लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, गर्ल्स मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अभियान को थोड़ा सा हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। और अभी पूरा बना नहीं है, बनना बाकी है, और जो खाली जगह आप देख रहे हैं आगामी दिनों में बनने वाला है। तो यहाँ की जितनी भी छात्रा है सब मिलजुल कर बनी हुई है बनाने में। चलिए आप लोग दिखाते हैं आगे जो बना रही है। ये पेंटर सब देख सकते हैं लगी हुई है, एक घंटा से लगभग मेहनत कर रही है इसे बनाने में। देखिए अभी पूरा बना नहीं है, देख सकते हैं आप लोग आधा ही बना है। ये ट्रेन का गेट है, देखिए इसका ड्रेस भी है। हाँ बोलिए, ये 11th और 12th की बच्ची है ना, बच्ची का ड्रेस दिखाया गया है जो ट्रेन पे चढ़ रही है अपने घर जाने के लिए। और आगामी दिनों में जो ये खाली जगह है यहाँ भी बनाया जाएगा, अभी पूरा नहीं हुआ है। चलिए ये सब भाग ली है सब पेंटिंग में। बोलो आप लोगों को मस्ती आ रहा बनाने क्या ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराए हैं, तो आप लोग कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है बनाने में, और हम लोग भी खुश नसीब है जो हम लोग प्लस टू एकेडमी में एडमिशन लिया है। हम लोग आप लोग को और यदि यहाँ इस धरती पे वसुधा पे वृक्ष का रोपण ना हो तो शायद हमें लगता है कि ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाएगी, हमारा पर्यावरण इस प्रकार प्रदूषित हो जाएगा। और उसका एक ही कारण था कि पर्यावरण का प्रदूषित ना होना।